सो हे गाइस, कैसे आप सब आए हो? बच्चे होंगे और अच्छे ही रहें। तो गाइस, हम आपके लिए ला चुके हैं कोर नया टेक टॉक्स का एपिसोड, जहाँ पे हम आपको पिछले कुछ हफ्ते में हुई टेक से रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। अब भाई, जो लोग मेरे को देखते हैं वो मतलब जो पहले एपिसोड देखा होगा, उसमें यहाँ पर लैपटॉप रखा रहता है जिसमें से मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ। पर अभी फिलहाल वो लैपटॉप यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाई मैं रोज़ बहुत दूर से स्टूडियो में सिर्फ आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए आ रहा हूँ, और इसलिए लैपटॉप भी थोड़ा बाहर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे स्टूडियो में नहीं रहता हूँ, तो इसलिए लैपटॉप अभी फिलहाल में नहीं है। मैंने सारी खबरें अच्छे से पढ़ ली है, याद कर ली है, अब बस आपको अच्छे से सुनाएंगे। और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइबर से एक चीज़ याद आई कि गाइज, फाइनली फाइनली आप सबकी इतनी अच्छी मेहनत और इतना अच्छा सपोर्ट मुझे दिया आपने कि आज यानी कल जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज हमारे हो चुके हैं 1K सब्सक्राइबर्स। तो गाइस, सबको थैंक यू, जिन भी 1,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रख रखा है, उन सभी को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार। आपने मेरा 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दिया है भाई। ऐसा ही मुझे सपोर्ट करते रहें और हम आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आज की वीडियो भी हम ज़्यादा बोलते नहीं है, वैसे भी मैं हूँ अक्षत और आप देख रहे हैं अक्षय टेक जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला अपडेट निकल के आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M837 Lite के लीक को लेके। यहाँ पे इसकी लीक कुछ इस हिसाब से आई है कि बहुत 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 जल्दी ये हमें इंडिया में लॉन्च होता हुआ मिल सकता है। ऑफकोर्स इस ये रहने वाला है सैमसंग का सबसे चीपेस्ट बजट एक टैबलेट, जो कि बहुत ज़्यादा अपने साथ अमेजिंग स्पेक्स लेके आने वाला है और बहुत ही कम प्राइस में। तो अब खैर, हम देखते हैं कि हमें कब तक इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है और किस प्राइस रेंज और कैसा देखने को मिलता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है एप्पल के एयर टैग्स को लेके। और ये ऑस्ट्रेलिया में क्या होना गाइस, इसको एक शॉपकीपर ने रखने से मना कर दिया। उसका ना रखने का एक कारण ये है, मतलब सारे उसने निकाल दिए जितने भी थे उसके पास पहले से, और वो कारण ये है कि गाइस उसने ये सोचा कि भाई, वैसे तो एप्पल एयर टैग की बैटरी बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाती है और बहुत ज़्यादा छोटा सा भी रहता है, तो गाइस उसने ये सोचा भाई कभी कोई सा बच्चा इसे खा ले, इसकी बैटरी से लोड कर ले, तो भाई इंजरी हो सकती है बहुत ज़्यादा। इस कारण उसने भाई शॉप में से सारे एयर टैग हटा दिए एप्पल के। अब खैर, देखते हैं वो और ज़्यादा बड़ा बवाल होगा कि नहीं होगा, ये बात यहीं पे ठंडी हो जाएगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। गाइस, जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है 1+9 के कैंसल्ड कलर को लेके। और यहाँ पे कुछ 1+ के कलर्स निकल के आए हैं जो कि कैंसिल हो चुके थे। और यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं भाई डाल दूंगा यार, ऑफकोर्स स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से कलर्स थे। भाई कंपनी बहुत ज़्यादा सारे मतलब सारे कलर अपने फ़ोनों पर चढ़ा के देख लेती भाई कौन सा अच्छा लगता है। उसी के बाद जो कलर्स टेस्ट में पास हो जाते हैं यानी कि अच्छे लगते हैं दुनिया को भी और आपको भी, वो कलर्स कंपनी अपने फ़ोन्स के ऊपर रखती है और उसी कलर के फ़ोन लॉन्च करती है और मार्केट में अच्छे दाम बढ़ाती है। तो ये था कुछ कलर्स को लेके अपडेट। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो हमारा अगला अपडेट आता है वो आता है HTC की तरफ से। और HTC का बस 2-3 दिनों में आने वाला है लॉन्च इवेंट, जहाँ पे वो कुछ VR हेडसेट्स लॉन्च करेगा। फाइव VR हेडसेट्स फाइव वो लॉन्च करेगा और भी बहुत सारी चीज़ लॉन्च करेगा। भाई HTC फ़ोन के मामले में इतना अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, पर हाँ गेमिंग और VR वर्ल्ड के बारे में हमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है अमेरिका नेवी फोर्स को लेके, अमेरिका की नेवी फोर्स को लेके। और यहाँ पे इनने एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ट्राई करी है, वो ये है कि भाई एक बंदे को ऐसा मतलब आयरन मैन वाला सूट पहना दिया है और भाई वो बंदा हवा में उड़ रहा है। ऑफ कोर्स वो सूट हाइड्रो सूट है, जिससे भाई आप पानी के ऊपर हवा में उड़ सकते हो ईजीली। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और देखते हैं किस किस काम में आता है, क्या इंडिया में आता है या नहीं आता है, क्या आगे में देखने को मिल ही जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। आखिर बार जो मैंने पिछले वाले टेक टॉक्स में कहा था वो आज हो चुका है, मतलब आज तो नहीं हुआ है, कल हो चुका है।
तो जो मैंने कहा था याद है, मैंने पबजी के बारे में कहा था कि हमें ट्रेलर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है ना। तो गाइस फाइनली कल पबजी का ट्रेलर आ चुका है। अब वो ट्रेलर कहेंगे या क्या कहेंगे भाई उस 10 सेकंड्स के उसको जरा से गाने को। बाकी पबजी ने ऑफिशियली बता दिया है कि गाइस गेम आने वाला है और ऑफ कोर्स बहुत जल्दी गेम आने वाला है। तो हम जैसा मैंने आपसे कहा था, क्योंकि भाई आपसे सच ही बोलता हूँ यार, तो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, गेम बहुत जल्दी आने वाला है। और हाँ, जो चेंजेस मैंने कहे थे वो तो हुए ही, साथ में थोड़े और बहुत चेंजेस हो चुके हैं। जहाँ पे ये कुछ खबर निकल के आई है कि गेम का पूरा नाम भी चेंज हो चुका है, लोगो भी चेंज हो चुका है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको उनके यूट्यूब चैनल्स पर जाने के बाद मिल जाएंगी। और उनका यूट्यूब चैनल्स भी चालू उन्होंने कर लिया है नए नाम के साथ। नया नाम जो पबजी का है वो है ग्राउंड बैटल। नया नाम जो है पबजी का वो है बैटल ग्राउंड। PU का नाम खत्म, बस BG बचा है, बस पीछे का BG बचा है, बैटल ग्राउंड। तो अब सिर्फ यही नाम है पबजी का। अब देखते हैं खैर हम गेम कितने दिनों में, हमें इंडिया के अंदर अब हम गेम कितने दिनों में खेलने को मिल सकता है यार। फिलहाल अभी प्री रजिस्ट्रेशन तो चालू हो यार, अभी तो प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू नहीं हुई और कंपनी ने बस लॉन्च ही करा है, और साथ साथ उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे उनका अकाउंट भी बना लिया है बैटल ग्राउंड इंडिया को नाम को लेके। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला नंबर पे अपडेट आता है वो आता है गूगल के गूगल पिक्सल बर्ड्स ए के लीक को लेके, जहाँ पे ये खुद ने गूगल ने ही एक्सीडेंटली इसे यहाँ पे लीक कर दिया है और इसका फोटो मतलब अपलोड कर दिया था। बाकी बाद में तो इसे डिलीट कर लिया गया, क्योंकि भाई लीक थोड़ी ना करेंगे यार। बाकी पर बहुत सारे बंदों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, तो भाई लीक तो हो ही गया। अब खैर हम देखते हैं हमें कब तक हमें ये देखने को मिलता है गूगल का तरफ से गूगल पिक्सल बर्ड्स ए इंडिया में और बाहर वर्ल्ड में भी कब तक देखने को मिलते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है इंस्टाग्राम की तरफ से। और इंस्टाग्राम का नया अपडेट आपको बहुत जल्दी आपके अपने फो एंड्रॉयड फ़ोन और iOS में दोनों में हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें इंस्टाग्राम अपने स्टोरीज में भी कैप्शन का ऑप्शन लाने वाला है और भी बहुत सारे कुछ कुछ छोटे मोटे बग्स फिक्स और अपडेट हैं। बाकी जो बड़ा अपडेट है वो यही कि भाई स्टोरी में अब आप कैप्शन लिख पाओगे और लोगों को अपनी बातें और बेहतर तरीके से समझा पाओगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को लेके, और यहाँ पे इसका होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्टार्ट, यानी कि जून जुलाई में, और हमें फ़ोन देखने को मिल सकता है नवंबर से दिसंबर के बीच में मार्केट में। तो गाइस अब तो हम बाद में देखते हैं फ़ोन हमें कब तक देखने को मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स नवंबर से दिसंबर के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से, और रियलमी ने यहाँ पे उसका नया फ़ोन Realme EC20 को टीज कर दिया है, जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स रहने वाले हैं। भैया अभी फीचर्स तो नहीं बताए, पर हाँ मेरी थोड़ी लीक्स है यार, उनसे पता चलिए कि फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। प्राइस भी थोड़ा बहुत कम रहने वाला है फीचर्स के हिसाब से, और फोन ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पर भाई इनकी जो गिनती है ना, ये अपन हमको समझ में नहीं आती है भाई, क्या भाई C220 मतलब क्या, मतलब नॉर्मल बंदे का दिमाग ही ख़राब हो जाए, पता नहीं कौन सी गिनती चलाते हैं ये फ़ोन में। अब खैर देखते हैं हमें कब तक देखने को मिलता है C20 रियलमी का इंडिया में और मार्केट में। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है पबजी की तरफ से, और आप तो कहोगे भाई अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था यार पबजी का अपडेट, अब क्या हो गया। तो अब ये हुआ है कि गाइस आपको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई पबजी का नाम चेंज हो चुका है, वो बैटल ग्राउंड नाम हो चुका है। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत फेक एपीकेस बना लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी पबजी के नाम पर अभी एपीके दे, फिलहाल तो एपीके आएगा नहीं यार, वो आएगा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे। और अगर आपको कोई एपीके भी दे तो भाई उसे कभी कतई इंस्टॉल मत करना, वरना आपके लग जाएंगे, आपके फ़ोन के भी लग जाएंगे और आप बस रोने के काम के रहेंगे फिर, क्योंकि भाई आपका सारा डाटा चुरा लिया जाएगा, सारा बैंक डिटेल से लेके तो सारा बिल्कुल आपको खल्लास कर दिया जाएगा, ख़त्म गया, बाय बाय टाटा सी यू। तो इसलिए भाई कोई भी एपीके आड़ा टेढ़ा एपीके अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करो, सेफ सिक्योर रहो ना यार, क्या उंगली रहती है भाई आड़े तेरे
एपीके इंस्टॉल करने के अपने फ़ोन्स में। सो बताने का काम था, मैंने आपको बता दिया कि पबजी के बहुत सारे फेक एपीकेज इधर से उधर मार्केट में घूम रहे हैं। पबजी अभी नहीं आया है ऑफिशियली, ऑफिशियली न्यूज़ तो निकल चुकी है पर अभी पबजी आया नहीं है। तो भाई सब्र करो, जब आएगा तो मैं बता ही दूंगा ना। जैसे कि मैंने आज ट्रेलर आया तो मतलब गेम ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, ऑफिशियली लॉन्च बोल दिया है। तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे गेम में आएगा, मैं जब भी बोलूँ बताऊँगा आपको। तो गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख देखना, और अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, आगे ऐसी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। एक और अच्छी खबर आ रही है कि जो 5G टेस्ट है उसे इंडिया में जो 5G नेटवर्क का टेस्ट हो रहा था उसे करने का इंडिया में ग्रीन झंडी दे दी गई है। तो बहुत जल्दी 5G टेस्ट होने वाला है सारी कंपनियों का, और मतलब जो भी कंपनी लाना चाहती है उसका, और सारे मतलब जो आसपास इक्विपमेंट है उनसे ही चेक कर लेंगे 5G। और जब भाई हरी झंडी दिख जाएगी तो भाई 5G लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, और भाई हम सब तड़कती फड़कती नेट की स्पीड देखेंगे। तो वो तो देखते हैं हम कब तक हमें इंडिया में देखने को मिलता है। पर बस आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, पूछ कहते हैं पर भाई हाँ थैंक यू यार कर लेते हो आप। जब भी तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हाँ तो भाई एक और बार थैंक यू आपको, हमारे 1000 आपने सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो हम थोड़ा दिन बाद बनाएंगे, क्योंकि भाई बाहर लॉकडाउन चल रहा है, हम मैं ऑफकोर्स इस कमरे से बाहर रही हीट रहा हूँ, तो इसलिए भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी। जब सेलिब्रेशन करेंगे तो भाई वीडियो ऑफकोर्स लाएंगे यार। हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, पर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो लाएंगे लाएंगे। हम बढ़ेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।